हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फेस मास्क बनाना देखेंगे। ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। जिनको स्टिचिंग बहुत अच्छी नहीं आती वो भी इजीली बना सकते हैं, और ये इतना अच्छा है कि इससे फेस, नोज ये सारा कवर हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं, मेरे पास ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैं इसी के बनाना बताऊंगी, इसी पे कि इसको कैसे। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए जो भी कपड़ा है, ये मिनिमम जो नॉर्मल एक फेस रहता है वो 10 इंचीज का मिनिमम लेना है। बड़ा बनाना है तो उसको बड़ा भी इसी पे निशान लगा के उसको वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको प्लेस किया और इस पे निशान लगा दिए। ये इस तरह से निशान आ जाएगा। जहां जहां पे भी ये निशान आया है, इस निशान को हम, ये जो हमने चौक से निशान लगाया है, इसको हम कट कर लेंगे। अगर हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है कि वो एक सर्कल में निकल सके, तो मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। पहले हम इसको एक बार कटिंग कर लें। ये हमने निशान लगा। बाय चांस हमारे पास ऐसा कपड़ा नहीं है कि वन पीस में हो, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला कपड़ा है, ये इतना ही ब्रॉड है, इसमें सर्कल नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको यूं रखा, और जहां तक इसकी विड्थ निकल रही है इसको हम निकाल देंगे। ये यहां तक है, इससे भी कम है तो ये मैं इसमें भी बता देती हूँ। अगर इससे भी कम है तो इस तरह से एक पीस निकालना और इसी तरह से दूसरा पीस निकाल देंगे। जरूरी नहीं कि पीस बहुत बड़ा हो, फुल सर्कल हो, तभी ये बनेगा। अगर कटिंग्स में है पीस तब भी इसको बनाना उतना ही इजी है। ये देखिए पीसेस में निकाला, लेकिन एक बार हम इसको सर्कल को जिस हिसाब से कपड़ा है उसी हिसाब से इसको निकाल लेंगे। इससे ये थोड़ा बड़ा भी बन जाएगा। चलिए पहले हम ये वाला बनाते हैं। इस सर्कल को हमने इस तरह से निशान लगा लिए और इसको ये देखिए, ये सर्कल इसको इस तरह से रखा और इसको कट कर दिया। जो सेंटर फोल्ड था उसको कट कर दिया, इस तरह से फोल्ड था इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया, और ये दो जो पीस थे इनको भी अलग अलग कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इस तरह से सर्कल के
दो पीस ये हो गए, दो पीस इस तरह से हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से कॉर्नर बनेगा और दूसरी तरफ से राउंड रहेगा। तो हमने क्या करना है कि जिधर राउंड है उस तरफ इसको हाथ से करना है, तो बहुत छोटा स्टिच, अदरवाइज इसको मशीन कर लगा लेनी है, इस पर एक सिलाई लगा लेनी है, सीम लगा लेनी है। जो राउंड वाला हिस्सा था उसको हमने दोनों पीसेस को इस तरह से जोड़ लेना है राउंड वाले हिस्से को, तो ये इस तरह से कुछ शेप आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी जोड़ लेना है। जहां हमने कच्चा किया था वहां पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा पीस। एक तरफ का पीस इस तरह से सीधा यानी उल्टी साइड अंदर, और दूसरे पीस की उल्टी साइड बाहर की तरफ, यानी कि रॉन्ग साइड के साथ रॉन्ग साइड में लगते हुए ये इस तरह से हम इसको दोनों पीसेस को रख लेंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो इस तरह से आएगा। अब हम इस पे दोनों तरफ, दोनों जो कॉर्नर्स हैं, इस पे एक निशान लगा लेंगे कि दोनों में इतना हिस्सा हमने ओपन छोड़ना है, करीब आधा इंच के करीब हमने यहाँ पे ओपन स्पेस छोड़नी है। बाकी यहाँ से सीम लगानी शुरू करेंगे, बिल्कुल इधर यहाँ एंड कर देंगे। यहाँ हाफ इंच जो छोड़ा है, हाफ इंच छोड़ के यहां से यहां भी हम सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ थोड़ी स्पेस, जहां पे हम ये वाले कॉर्नर पे, यहां पे हम इस तरह से ये जो डोरी बनाएंगे ये यहां पे अटैच करेंगे, अंदर की तरफ फिनिशिंग आए, इसलिए हम इतना हिस्सा दोनों के कॉर्नर्स पे ओपन छोड़ देंगे। ये हमने कॉर्नर्स इसके छोड़ दिए जहां पे हम डोरी लगाएंगे, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। किसी भी एक कॉर्नर से हम इसको इस तरह से जो बेस है मास्क की, ये वाला चीज इसके अंदर हम जब डोरी लगा देंगे तो ये वाला कॉर्नर जो है ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो हमारी इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर की भी हो जाती है। ये बोथ साइड पहना जाने वाला मास्क है,
अब हम बनाना शुरू करते हैं इसकी डोरियां। डोरियां बनाने के लिए हमें कोई ऐसी कपड़े की जरूरत नहीं है कि हम कहें सीधा कपड़ा या कपड़े की जो एक डोरी है कम से कम 1.5 इंच से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं। इस तरह से इसी हिसाब से बनानी है डोरी, कम से कम 18 इंच, ताकि इजीली इसको जो है वो बांधा जा सके। ये 18 हमारी रेडी आई है, तो हम 19 ये जो है ये कट कर लेते हैं। पूरी आ जाए पीछे बांधने के लिए हमने ये दो डोरियां जो है 1.5 इंच से थोड़ी ज्यादा रॉड हमने काटी है। इजीली जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले सेंटर ले लेंगे। हमें इसके सेंटर की जो कॉर्ड बनानी है उसके सेंटर की मार्किंग कर ली है, प्रेस करके मार्किंग कर दी है। अब हमने क्या करना है, सेंटर और इसका सेंटर, जो सेंटर पे मार्किंग की है वहां तक इसकी ओवरलैप ना करे, इस तरह से निशान मार्किंग कर लेंगे इसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर दोनों इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। जब ये इस तरह से मार्किंग हो जाए तो अब हमसे इजीली हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मशीन चला देंगे। एक तरफ तो खुला रखेंगे लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जब सिलाई लगाने लगेंगे फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए ये टोटल को यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। दोनों पट्टियां इसी तरह से, जो डोरियां हैं ये हम तैयार कर लेंगे। जो डोरियां हमने काटी थी उनको हमने सिलाई लगा ली है, एक कॉर्नर्स हमने फिनिश कर दिए, दूसरे रफ ही रहने दिए। अब जो ये मास्क बनाया था, ये कॉर्नर जो हमने दोनों साइड पे ओपन रखे थे, जो कॉर्नर हमने फोल्ड नहीं किए थे उनको इस तरह से इसमें सेट कर देंगे, इसके अंदर लगा देंगे। इस तरह से और इस जगह पे इस कॉर्नर को अंदर करते हुए इतना सफिशिएंट इस पे सिलाइयां लगानी है। ये मैं हाथ से दूसरे कलर से इसलिए लगा के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए।
इसको काफी पक्का कर देना ताकि इसको बांधने पे ये निकले नहीं। इधर कच्चा कर दिया। इसी तरह से अब दूसरी तरफ रॉ एजेस जो थे उनको हमने अंदर कर दिया। और इसको भी यहाँ पे कच्चा कर दिया पहले। जब इस तरह से ये डोरी लग जाएगी तब हम यहाँ से पक्का करते हुए चारों तरफ एक कॉर्नर की सीम लगा देंगे। इसी तरह से ये हमने यहाँ पे इन डोरियों को अटैच कर दिया और साइड्स पे सिलाई लगा ली। इस तरह से ये हमारा फेस मास्क जो है वो बनके रेडी हो गया। इसी तरह से थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।